बीड येथील हिना पेट्रोल पंप बार्शी नाका येथे बीड शहरातील पहिले आणि भारत पेट्रोलियम या कंपनीचा बीड जिल्ह्यातील पहिला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सेंटरचे आज भव्य उद्घाटन करण्यात आले. या निमित्ताने सरकार एक्सप्रेसची खास रिपोर्ट. बीड शहरातील पहिलं आणि बीड जिल्ह्यातील भारत पेट्रोलियमचं पहिलं इलेक्ट्रिक व्हेकल चार्जिंग सेंटर हिना पेट्रोल पंप बार्शी नाक्याजवळ बीड येथे सुरू झालेलं आहे. आज आपल्यासोबत या भारत पेट्रोलियमचे महाराष्ट्र आणि गोवाचे महासंचालक महाव्यवस्थापक राकेश कुमार सिन्हा साहेब आहेत. सर, आज जे पॉईंट सुरू झालेलं आहे तर याविषयी काय म्हणणार आपण? नमस्कार, मेरा नाम राकेश सिन्हा है, आपने बताया. जैसे देखिए, भारत पेट्रोलियम का हर समय प्रयास रहा है कि कस्टमर की कोई भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, हम अपने पेट्रोल पंप पे उसको फुलफ़िल करें. आपको सबको पता ही होगा कि आज के टाइम में ग्रीन एनर्जी और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने बहुत सारे मुहिम स्टार्ट किए. उसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन है जिसमें हम लोग चाह रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ईवी व्हीकल्स परचेस करें. और ईवी व्हीकल्स परचेस करने से नेचुरल है कि पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन कम होगा और पोल्यूशन कम होगा. लेकिन बात वही प्रॉब्लम है कि अगर हम ईवी चार्जर्स नहीं लगाएंगे तो लोग गाड़ियां कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो महाराष्ट्र और गोवा में आज के टाइम में आप देखेंगे करीब 132 हम लोगों ने ईवी चार्जर्स आइडेंटिफाई करके इंस्टॉल कर रखा है. और ईवी चार्जर्स हम लोग ने इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स में जो देख रहे हैं कि जिस कॉरिडोर्स में लोगों की ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है, उस कॉरिडोर्स में हम ईवी चार्जर्स लगा रहे हैं. और ये जो ईवी चार्जर्स हैं वो सारे, जैसे ये 60 किलोवाट के डीसी CCS2 फास्ट चार्जर्स हैं जो हाफ एन आवर में आपकी जो व्हीकल की है वो जो चार्जिंग है करीब 85-90% कर देती है. तो आपके माध्यम से मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जो मुहिम जो हम चला रहे हैं जिसमें हम लोग पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं और कस्टमर्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना चाह रहे हैं, उसमें लोग हमारे साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा ईवी व्हीकल में कन्वर्ट हों और ज़्यादा से ज़्यादा और इस तरह के जो BPCL के पास जो सुविधाएं हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं. बी डिस्ट्रिक्ट में आपका ये पहला यहाँ पर पॉइंट है, इसको और बढ़ाने के लिए बी डिस्ट्रिक्ट में और कौन से ठिकानों पर लगाने जा रहे हैं? हम लोगों ने आपको, मैं एक छोटा सा आंकड़ा दे दूँ, इस साल जैसे आपको मैंने बताया कि पिछले साल हम लोगों ने करीब 116 हम लोगों ने ईवी चार्जर्स आइडेंटिफाई किए थे. इस बार पूरे महाराष्ट्र और गोवा में हम लोग 472 ईवी चार्जर्स लगाने वाले हैं, 472. और उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, हम लोगों ने बीड से स्टार्ट किया है क्योंकि बीड से जनरली ये गाड़ी ओरिजिनेट करेंगी. और एक बार आपके यहाँ पे जैसे अभी आपका ये जो गाड़ी, इस तरह की गाड़ियाँ हैं फ्यूल करती हैं तो करीब 100-120 किलोमीटर के लगभग में ये लोग चल पाएंगे. तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि दोनों ही साइड रोड में हर 100 किलोमीटर में हम आपको एक चार्जर लगा के देंगे इस तरह की. जैसा कि आपने कहा है कि पेट्रोल कंज्यूम कम होगा और पोल्यूशन कम होगा, तो ये पॉइंट लगाने में और जनता को फैसिलिटी देने में गवर्नमेंट इसको प्रमोट करने में क्या सहायता कर रही है आपकी? तो गवर्नमेंट में देखिए अभी क्या है कि इसमें FAME II करके है, गवर्नमेंट का एक स्कीम है जिसमें ये सब्सिडी दे रहे हैं, जो इस तरह के इलेक्ट्रिकल चार्जर्स हैं इसको सब्सिडी देंगे. लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनी अभी ये सब्सिडी के भरोसे नहीं है. सब्सिडी आएगा तो आएगा, लेकिन हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल कॉरपोरेट हैं और हम ये समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि नेचुरल है कि गाड़ियाँ रोड पे चल रही हैं, पेट्रोल डीजल का यूज़ रहेगा, पोल्यूशन में इनका कंट्रीब्यूशन है. तो एक जिम्मेदार कॉरपोरेट के नाते, और प्लस क्या है कि देखिए जो आज ईवी में शिफ्ट हो रहे हमारे कस्टमर थे, तो ये कस्टमर की एनर्जी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है. पहले आपके पास पेट्रोल डीजल के लिए आते थे, अब इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट चेंज होकर अब आ रहे हैं ये आपके ईवी इलेक्ट्रिकल, इनको एनर्जी चाहिए. तो हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, हम उनको भी सोल्यूशन दे रहे हैं ताकि आप हमारे साथ जुड़े हुए थे पेट्रोल डीजल के लिए, आप लुब्रिकेंट के लिए हमारे पास जुड़े हुए थे, हम आपको अब ईवी चार्जिंग का भी सोल्यूशन दे रहे हैं. ताकि देखिए हमारा प्रयास रहता है कि हम कस्टमर के पेन पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं. अब मेरे पास ये आज तक पेट्रोल डीजल भरा है, अब ईवी में ये कहाँ जाएंगे? और ये घर पर अगर आप इस तरह के चार्जेस को आप लगाएंगे ना, तो इनको पूरे ओवरनाइट चार्ज करना पड़ेगा. पार्किंग स्पेस की कमी है, आप देखेंगे हाई राइज बिल्डिंग बन रहे हैं, बड़े बड़े सोसाइटियाँ हैं, तो उसमें इतने चार्जिंग स्टेशन नहीं आ सकते और एक चार्जर में आप पूरा रात भर कैसे चलाएंगे? तो हम आपको ऐसा सुविधा दे रहे हैं. और 60 किलोवाट अगर आप घर पे लगा रहे हैं तो 60 किलोवाट का आपको पावर कनेक्शन लेना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं. तो हम पेट्रोल पंप पे 60 किलोवाट के हम पावर कनेक्शन के साथ हम आपको चार्जर दे रहे हैं. हाफ एन आवर में आपकी पूरी गाड़ी चार्ज हो जाएगी और आप आराम से निकल सकते हैं. आपले सोबत मुदस्सिर सेठ आहेत, हिना पेट्रोल पंपचे मालक. त्यांच्याकडून जाणून घेऊत या त्यांची प्रतिक्रिया आज काय आहे. सर, पहिला पॉइंट जो है शहर में और जिले का भारत पेट्रोलियम का पहला आपके पास जो बना है,
ज़ाहिर बात है लोगों को इससे सुविधा होगी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? लोग बहुत खुश हैं इससे और हर एक गाड़ी वाला आके मुबारकबाद दे रहा है कि बहुत अच्छा करे ये सुविधा हम चालू करें। साथ साथ बीड़ में 40-50 ऑटो भी है जो इलेक्ट्रिक है, वो लोग की भी डिमांड है कि भाई हमारे लिए भी कुछ करें। फोर व्हीलर वाले तो जो बाहर वाले वो आके जब से लग रहा और चालू हो गया तो तकरीबन दिन में से 8-10 गाड़ियाँ आके जा रही। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉइंट लगने की वजह से, चार्जिंग पॉइंट लगने की वजह से क्या लोगों में इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का रुझान बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा ना। बहुत भीड़ वालों के लिए एक अच्छी बात बोल सकते हैं कि पोल्यूशन हमारे पास भी कंट्रोल हो सकता है। जी। देखिए मैं भी इसी पे थोड़ा सा ऐड कर दूँ। जैसे इन्होंने कहा, हम लोग BPCL की जो टाइप, जैसे अभी हम फोर व्हीलर्स के लिए आपने देखा हम लोग DC CCS2 फास्ट चार्जर्स कहलाता है जो 60 kW के हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। इसके अलावा BPCL की जो टाइप है ओला के साथ है, BPCL की टाइप हीरो मोटर का के साथ है, तो हम उनके साथ भी टू व्हीलर्स की चार्जिंग स्टेशन हम पेट्रोल पंप पे लगा रहे हैं। वो लोग फिजिबिलिटी करके हमें बताते हैं कि आप यहाँ पे लगाइए, तो हम उनको स्पेस दे रहे हैं। और तीसरा, जैसे ऑटो वाले हैं यहाँ पे, यो जो बैटरी स्वापिंग मॉडल चलेगा, तो हमने एक वोल्टअप करके कंपनी इसके साथ टाई अप कर रखा है और अभी बॉम्बे में हम लोगों ने 3 जगह पे पेट्रोल पंप पे लगाया है, जहाँ पे गाड़ी आएगी और उनके पास यहाँ चार्जर्स के रहेंगे, वो चार्जर से अपना स्वैप कर लेंगे और 2 मिनट में निकल जाएंगे। तो हर सेगमेंट का, जैसे इन्होंने कहा, हर कस्टमर सेगमेंट का हम समझ रहे हैं, क्योंकि वो मतलब जो बैटरी स्वॉप करना चाह रहा हो भी हमारा कस्टमर है, हीरो मोटर को कल को अगर हीरो मोटरसाइकिल में आ रही है तो भी हमारा कस्टमर है, ओला आ रहा है और इथर आ रहा है, तो सारी सुविधाएं हम लोग पेट्रोल पंप पे दे रहे हैं कि कस्टमर्स को किसी तरह से भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार इनके प्रीमाइसेस में आ जाएंगे तो मतलब आपकी सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और मैं आप ही के बिहाफ में धन्यवाद देना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा इनको, इन्होंने ये सुविधा में, क्योंकि देखिए बहुत सारे काम रहते हैं, आपको पावर कनेक्शन लेना पड़ता है, तो इन्होंने आगे बढ़ के ये पावर कनेक्शन का व्यवस्था किया और ये सुविधा लगाया है, तो नेचुरल है कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली बताता है कि कस्टमर्स के बारे में इनका कितने ख्याल अच्छे हैं। सेठ, आप एक बड़े उद्योगपति है, कई सुविधाएं आज तक आपने शहर को दी है, आज ये सुविधा देने के बाद बीड़ जिले के लोगों के लिए और शहर के लोगों के लिए खास क्या संदेश देना चाहेंगे? बस फैसिलिटी मिल रही है उसका मज़ा उठाना सब लोगों ने। जो कनेक्टेड है वो कनेक्टेड रहेंगे हमारे साथ।